एम आई ऑडिबल? क्या आप सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं? थैंक यू संध्या आंटी, थैंक यू पद्मा आंटी, थैंक यू दीपा जी। रमेशन और डॉक्टर उदय शाह की ओर से सत्र के बारे में आपने पढ़ा कि आज का विषय है गिफ्ट ऑफ ग्रेस। चाहिए ये गिफ्ट। सो आई नो एवरीबडी इज स्माइलिंग। सबको चाहिए, एवरीबडी वॉन्ट्स। जी, वॉइस इज मिसिंग। आवाज बीच में ब्रेक हो रही है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई जस्ट चेक। ओके, सो सिग्नल मेरी तरफ से पूरा नजर आ रहा है मुझे। ओके ओके, क्या अभी क्लियर है वॉइस नाउ? ओके, थैंक यू कृतिका जी, थैंक यू। सो मेरा प्रश्न ये था कि आज ये सबकी स्माइल और सबकी यस मुझे दिख रही है, तो ये गिफ्ट ऑफ ग्रेस जो है हम सबको चाहिए, लेकिन क्या इतनी आसानी से मिल सकता है? देना पड़ेगा। सो आर यू गाइज रेडी? क्या आप सब लोग तैयार हैं? वेरी नाइस, आई कैन सी पद्मा आंटी एंड शारदा आंटी। सो सबसे पहले मुझे गिफ्ट जो है वो किसके पास है, थोड़ा दिमाग लगा के सोचिए। किसके पास? ओके, आरती जी कह फ्रॉम सा कृतिका जी, जस्ट गिव मी वन सेकेंड, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एडजस्ट द साउंड सेटिंग्स। ओके, एम आई ऑडिबल नाउ? क्या आप
एम आई ऑडिबल नाउ? क्या अभी आप मुझे सुन पा रहे? इज इट बेटर? यस, थैंक यू पद्मा जी, थैंक यू. सो कृतिका जी, कैन यू ऑल्सो कंफर्म, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं प्रॉपरली? यस, थैंक यू कृतिका जी. एंड आरती जी, यस, थैंक यू सो मच. जस्ट ओके, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट. सो ये ग्रेस का जो गिफ्ट है, ये मिलने में हमें काफी ज्यादा जो है परेशानी हो रही है. सो बेसिकली द रीजन इज दिस, मे बी वी आर नॉट रेडी, वी हैव टू प्रिपेयर आवर सेल्फ. अभी अपने आप को प्रिपेयर करना है हमें, सो दैट वी विल रिसीव दैट गिफ्ट विच डॉक्टर उदेशा हैज सिलेक्टेड फॉर अस टुडे. आज जो लेसन और जो मैसेज सर हमें देना चाह रहे हैं, उसके लिए हमें प्रेपरेशन अभी करना पड़ेगा थोड़ा और. सो लेट्स जस्ट सेंटर आवर सेल्फ, अपने आप को सेंटर करते हैं, एंड लेट्स जस्ट प्रिपेयर आवर सेल्फ फॉर द सेशन. जी, अपनी आंखें बंद कर लीजिए, अपने ध्यान को अपनी श्वासों से लगाएंगे. आंखें बंद करेंगे, ध्यान को पूरा ब्रेथ की ओर, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट. वंस अगेन ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट. अपने मन को शांत होता हुआ महसूस कर रहे हैं? अपने ध्यान को एकाग्र होता हुआ महसूस कर रहे हैं? विचार जो आ रहे हैं, जो जा रहे हैं, उनका आवागमन अपने आप ही होता जा रहा है, ना हम उन्हें रोक रहे हैं, ना हम उनमें उलझ रहे हैं. हम केवल और केवल अपने श्वास से जुड़े हुए हैं. हमारे श्वास जो हमारे शरीर, हमारे मन और हमारी आत्मा को एक सूत्र में बांधे हुए हैं, वो लड़ी जिसके साथ ये बंधे हुए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, पूरी तरह से अलाइन, जैसे एक धागे में मोती पिरोने के लिए हर मोती को पूरी तरह से अलाइन होना पड़ता है, उसी प्रकार से हम, हमारा शरीर पूरी तरह से इस सूत्र में बंध रहा है, पूरी तरह अलाइन होकर हमारी श्वासें उस एक चैनल को पूरी तरह खोल रही है. उन्हीं मोतियों की भांति हमारा मन, हमारा शरीर और हमारी आत्मा पूरी तरह से अलाइनमेंट में आकर इस सूत्र में बन चुकी है, पिरोई जा चुकी है.
हमारा शरीर पूरी तरह से हमारी आत्मा के मार्गदर्शन में, हमारी आत्मा के उस पर्पस के साथ मिल गया है। हमारा मन हमारी ही चेतना के अनुरूप पूरी तरह से ढल चुका है। मन, शरीर, आत्मा चेतना और ऊर्जा के उस संतुलन को प्राप्त कर एकरसर होकर अपने उस सोल पर्पस की डेस्टिनेशन की ओर बढ़ते जा रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए, एक दूसरे के साथ चलते हुए, केवल और केवल आगे बढ़ रहे हैं। हम पूरी तरह से इस एकाग्र स्थिति में अपने आज के इस विषय के मैसेज को लेने के लिए इसी स्थिति में इसी एक्सपेरिमेंट को जारी रखते हुए अपने सारे एंजल्स, मास्टर्स, गुरुओं का आवाहन करेंगे। आवाहन करेंगे अपने इष्ट देव का, आवाहन करेंगे अपनी सारी कनेक्टेड सोल्स का, आवाहन एंसेस्टर्स का, पेरेंट्स का, उन सभी दिव्य शक्तियों का जिनसे हम अट्यून्ड हैं, जो हीलर्स हैं, वो रेकी और करुणा रेकी की ऊर्जाओं का आवाहन करेंगे। महसूस करेंगे इन सब एनर्जीज को जिन्हें हमने इन्वोक किया, सच्चे दिल से पुकारा, और वो सब हमारे आसपास हमें ब्लेस करने के लिए पहुंच गए। मानो वो पहले से ही यहां थे, केवल हमारे आवाहन ने हमारे खुद के मन की आंखें खोल दी और हम उन्हें देखने लगे, महसूस करने लगे उनकी ब्लेसिंग्स को, उनकी एनर्जीज को। पूरी तरह से महसूस कीजिए इस मौके को, पहचानी, ऑब्जर्व कीजिए इसका पूरा आनंद लेते हुए, अपनी पूरी अवेयरनेस में
अवेयरनेस के साथ, जागरूकता साथ, इस दिव्य ऊर्जा को, ब्लेसिंग्स की रिसीव करेंगे। धन्यवाद के साथ इसे अपने अंदर धारण करते हुए और आगे बढ़ने के लिए इन सब एनर्जी से आज्ञा मांगेंगे, परमिशन मांगेंगे। देखिए ये सब हमें अलाउ कर रहे हैं। आगे बढ़ने के लिए अपने ही अंदर इंटेंशन बांधेंगे कि आज हमें उस ग्रेस के गिफ्ट को ढूंढ लेना है और अपना लेना है। अपने इस गिफ्ट को ढूंढने के लिए, अपनी इस यात्रा का आरंभ करेंगे। विजुलाइज करेंगे कि हम एक बहुत बड़े से खुले मैदान में खड़े हैं। और अपने हाथ में एक बहुत बड़ा छाता लिए हुए, एक अम्ब्रेला उठाए हुए, आसमान से बहुत तेज बारिश हो रही है। और इस बारिश से हमें ये छाता बचा रहा है। इस बारिश से हमें बहुत डर लग रहा है और ये छाता हमें इसी बारिश से बचाता जा रहा है। और हम उस छाते के अंदर बहुत ही थोड़ी सी जगह पर अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बहुत दूर देखते हैं तो दूसरे कोने में हमें एक बहुत बड़ा सा गिफ्ट पैक दिख रहा है, बहुत सुंदर रैपिंग पेपर से कवर हुआ, बहुत ही खूबसूरत सा रिबन ऊपर बंधा हुआ है। रिबन से बहुत खूबसूरत सा फूल भी बना हुआ है, लेकिन वो गिफ्ट वो दूर कोने में है, बारिश हो रही है और हमारे लिए वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। वो गिफ्ट को हम पाना तो चाह रहे हैं,
लेकिन हमारा ये छाता इतना मजबूत नहीं है कि हम इस बारिश में उस गिफ्ट तक पहुंच पाए। इसीलिए एक कोने पर डर कर खड़े हैं। गिफ्ट तो बहुत बड़ा है, पाने की इच्छा भी बहुत है, लेकिन पहुंचना मुश्किल है। जहां खड़े हैं वहां तो ये छाता बचाकर भी रख रहा है बारिश से, आगे बढ़ेंगे तो कहीं ये छाता ही ना छूट जाए। ये डर भी है बारिश का और वो इनसिक्योरिटी भी है छाता खोने की। लेकिन समझा जाए तो शायद इस छाते का जो आराम है वही हमें रोक रहा है उस गिफ्ट तक पहुंचने के लिए। वो कंफर्ट जो ये छाता हमें दे रहा है वही शायद एक ब्लॉक की तरह, एक ऑब्स्टेकल की तरह हमें हमारे ही रास्ते से, हमें हमारा ही गिफ्ट पाने से रोक रहा है। एक बार अपने आप को, अपने मन को टटोलेंगे और जानेंगे कि क्या ये छाते से लगाव और ये थोड़ा सा कंफर्ट ये ज्यादा जरूरी है, या कितनी निष्ठा है, कितनी इच्छा है हमारी उस गिफ्ट को प्राप्त करने की। अपने मास्टर्स की ब्लेसिंग से अपने इस कंफर्ट के अम्ब्रेला को हील करेंगे और उसे डिटैच होने की चेष्टा बांधेंगे। इस छाते को धन्यवाद कहिए कि इसने हमें इस बारिश से बचाया। हमें उस बुरे समय से बचाया, हमें हर्ट होने से बचाया। लेकिन अब समय आगे बढ़ने का है। आगे की जर्नी डर से भरी है, लेकिन अगर इस जर्नी में ये छाता छूट भी जाए, ये कंफर्ट छूट भी जाए, उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। इसी भाव को अपने मन में बिठाते हुए छाते के छूटने का, गुमने का डर अपने अंदर से निकालते हुए इस मूसलाधार बारिश में अपना कदम आगे बढ़ाएंगे। धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू करेंगे। बारिश बहुत तेज है, लेकिन मन में ठाना हुआ है कि छाता खराब भी हो जाएगा, उड़ भी जाएगा, लेकिन हम जरूर आगे जाएंगे। देखिए, जैसे ही आपने चलना शुरू किया, आप उस गिफ्ट के और पास पहुंचते जा रहे हैं, थोड़ा आगे चल रहे हैं तो देखते हैं कि जमीन पर बहुत बड़ा सा एक पडल है
मिट्टी है, मड है, जिसे क्रॉस करना मानो आपके लिए नामुमकिन हो। गिफ्ट के पास तो पहुंच चुके हैं, लेकिन गिफ्ट और आपके बीच में ये बड़ा सा पडल आ गया। दोनों तरफ नजर घुमाकर देखा तो ये ऑब्स्टेकल, ये पडल इतना बड़ा है कि इसके पार जाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। अगर इसके बीच में से जाएंगे तो फिसल कर गिरने का डर। चोट लगने का डर, हाथ से छाता छूट जाने का डर। एक तरफ इस पडल को देख रहे हैं और इसके साथ जुड़ी सारी मुश्किलें देख रहे हैं, और दूसरी ओर वो सामने पड़ा गिफ्ट दिख रहा है। जैसे जैसे गिफ्ट को देखते हैं तो हिम्मत बढ़ती है, और जैसे जैसे पडल को देखते हैं तो हिम्मत टूटती है। यहां पर चॉइस अपने हाथ में है। क्या हम उस गिफ्ट को पाने की चाह ज्यादा मजबूत है, या फिर गिरने का, फिसलने का डर ज्यादा मजबूत है? अपने आप को तैयार करेंगे कि गिफ्ट को पाने की चाह डेफिनेटली ज्यादा है, और अगर गिर भी गए तो फिर उठ जाएंगे। अगर चोट भी लग गई तो वो भी ठीक हो जाएगी। अगर छाता भी छूट गया तो कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जाएंगे। अपने मास्टर्स की ब्लेसिंग्स को लेते हुए फिर एक कदम आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे से आगे बढ़ना शुरू करेंगे। देखिए, जैसे ही हिम्मत हमने आगे बढ़ने की, मानो वो पडल सूखता जा रहा है। जहां जहां कदम आप रख रहे हैं वहीं वहीं से ये पडल हटता जा रहा है, और आपका रास्ता साफ होता जा रहा है। धीरे धीरे आप और आगे बढ़ते हुए अपने उस गिफ्ट के और पास पहुंच चुके हैं। अब आपको ये गिफ्ट बहुत क्लियरली दिख रहा है, लेकिन अभी भी कुछ रास्ता बाकी है। देखिए कितना खूबसूरत ये गिफ्ट है, और अपने आप अपने पास आने के लिए आपको और प्रेरित कर रहा है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं रास्ते में बहुत बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं, जो बारिश में एकदम गीले हो चुके हैं। मानो उस गीलेपन से उन पर काई जम रखी हो और एकदम स्लिपरी हो रहे हैं। आपका मन फिर एक बार डर गया। ये पत्थर फिर आपको रोक रहे हैं आगे आने के लिए।
फिर मन में चिंता, फिर मन में डाउट, फिर मन में कंफ्यूजन। फिर से एक बार इन पत्थरों को देखें और फिर गर्दन उठाकर अपने उस गिफ्ट की ओर देखें जो अब कुछ ही कदम आपसे दूर है। आपको पता है आपको क्या करना है। उस गिफ्ट को, गिफ्ट रैप को देखकर अपने अंदर उस मोटिवेशन को जागृत करना है। और इस मोटिवेशन को इतना बढ़ा देना है कि इन पत्थरों की, इस स्काई का डर इस मोटिवेशन के सामने मानो तुच्छ सा, छोटा सा लग रहा है। और यही मास्टर्स को याद करते हुए, उनकी ब्लेसिंग्स को महसूस करते हुए, फिर से पूरी हिम्मत के साथ कदम बढ़ाएंगे धीरे धीरे, पूरी तरह से सरेंडर करते हुए मास्टर्स पर इन पत्थरों के ऊपर चलना शुरू कर देंगे। शायद कहीं स्लिप भी हो रही हो, शायद इम्बैलेंस फील कर रही हो, लेकिन देखिए जैसे ही स्लिप होने वाले हैं, आपके मास्टर्स आपको हाथ देकर बचा रहे हैं। मानो वो मास्टर्स का हाथ आपके हाथ को थामे, आपको एक एक कदम आगे लेकर जा रहा। जैसे छोटे बच्चे को हम चलना सिखाते हैं, उसी प्रकार से आपके मास्टर्स आपका हाथ थामे आपको आगे ले जा रहे हैं। आप भी एक छोटे बच्चे की तरह पूरी तरह से सरेंडर कर अपने आप को आगे बढ़ते जा रहे हैं। और अब आगे जो भी रास्ता है, वो चाहे पत्थर है चाहे फिसलन है, आपको कुछ इफेक्ट नहीं कर रहा, आपको कोई रोक नहीं पा रहा, क्योंकि आपके दोनों हाथ आपके मास्टर्स ने पकड़ रखे हैं और आप पूरी सरेंडर से आगे बढ़ते जा रहे हैं। और आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे आप उस गिफ्ट पैक के पास आ गए हैं। ये गिफ्ट पैक अब आपके बिल्कुल सामने है। जब आप इस गिफ्ट पैक के बिल्कुल पास पहुंच गए हैं, वो आपके बिल्कुल सामने है, आप चाहें तो केवल हाथ आगे बढ़ाकर उसे खोल सकते हैं। परंतु आपके मन में इस समय ये एहसास है कि ये जो भी गिफ्ट है, इसको पाने के रास्ते में आपको उस ग्रेस के महत्व का पता चला, वो ग्रेस जो हमेशा से ही आपके ऊपर बरस रही थी, वो ग्रेस जो 24 घंटे सातों दिन 365 दिन आपके ऊपर हमेशा से बरसती रहती है, वो आपके मास्टर्स की ग्रेस जो आपको हर बारिश से छाती की तरह बचा रही थी, जो आपको उस मड की पडल से बचाते हुए, सुखाते हुए आगे लेकर आई, जो अपने दोनों हाथ रूपी एनर्जी से
आपके हाथों को थामे उन पत्थरों, उस फिसलन और उन ऑब्स्टेकल से पार कराती आई। यही ग्रेस आपका सबसे बड़ा गिफ्ट जान पा रहा है, समझ आ रहा है। ये सामने पड़ा बॉक्स में रैप हुआ हुआ गिफ्ट तो मानो केवल एक सिंबल है, मानो एक प्ररूप है उस ग्रेस का जो आपके ऊपर हर समय बरसती रहती है। इस असली ग्रेस को पहचान कर आपके मन में पूरी तरह से खुशी की लहर, सरेंडर की भावना और अत्यंत कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड निकल रहा है। इस भावना के साथ आपके मास्टर्स आपको प्रेरित कर रहे हैं इस सामने पड़े बॉक्स को खोलने के लिए, और उनके आशीर्वाद से आप इस बॉक्स को खोल रहे हैं, इसके खूबसूरत फ्लावर को अपने हाथों से हटाकर उस रिबन के बो को धीरे से खोलते हुए इसमें लगे रैपिंग पेपर को अनबॉक्स करके जैसे ही इसका ढक्कन खोला, इसके अंदर से बहुत ही खूबसूरत सफेद रंग की ऊर्जा, रोशनी मानो इस बॉक्स से बाहर आ रही है, जो हीलर्स हैं वो इस बॉक्स से सारे सिंबल्स को बाहर आता हुआ महसूस कर रहे हैं, देख पा रहे हैं। ये सफेद ऊर्जा, ये सारे सिंबल्स इस बॉक्स से निकलकर आपके क्राउन चक्र से होकर आपके पूरे शरीर में समा रहे हैं। आपको पूरी तरह से हील करते हुए ये सारी ऊर्जा आपके अंदर पूरी तरह से संचालित हो रही है, नॉन स्टॉप ये ऊर्जा इस बॉक्स से आपकी ओर आपके शरीर में प्रवाह करते हुए। जैसे जैसे ये ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश कर रही है, आपके मास्टर्स आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि जैसे ये ग्रेस का गिफ्ट आज हमको मिला है, आज हमने पहचाना है कि हम किस तरह से 24 घंटे ग्रेस में हैं, उसी प्रकार से इस ग्रेस को आप सब ने अपनी सारी कनेक्टेड सोल्स के ऊपर बरसाना है। इस सफेद रोशनी, इस हीलिंग ऊर्जा और इन सारे डिवाइन सिंबल्स के रूप में जिस तरह हमने अपने मास्टर्स पर सरेंडर कर अपने ग्रेस के इस गिफ्ट को पाया है, उसी प्रकार से मास्टर्स पे सरेंडर कर उनकी ब्लेसिंग्स और इस ग्रेस की रोशनी को सारी कनेक्टेड सोल्स और पूरे विश्व में फैलाना है। यही हमारे ग्रेस का गिफ्ट है, यही उस गॉड के, उस यूनिवर्सल एनर्जी के ग्रेस का गिफ्ट है, यही भगवान का गिफ्ट है।
यही हमारे मास्टर्स का गिफ्ट, इसी भाव के साथ अपने सारे मास्टर्स को ग्रैटिट्यूड करेंगे, धन्यवाद करेंगे जिन्होंने आज हमें ये इतना खूबसूरत गिफ्ट दिया। ब्रह्मांड को, उस ब्रह्मांड ये ऊर्जा को धन्यवाद करेंगे जिसने आज इस गिफ्ट को पहचानने की नजर हमें दी। और यही प्रण लेंगे कि जो भी मैसेज आज हमें हमारे मास्टर्स ने दिया उसे हम पूरी तरह पूरी निष्ठा से पूरी करेंगे, इसी धन्यवाद की भावना के साथ इस गिफ्ट को अपने साथ लाते हुए वापस इस प्रेजेंट मोमेंट में आएंगे। ध्यान को अपनी श्वास के साथ बांधते हुए तीन गहरी सांसें लेंगे। ब्रीद इन और आपकी सारी चेतना चारों ओर से एकत्रित हो वापस आपके शरीर में आते हुए। ब्रीद इन वापस अपने शरीर के प्रति पूरी तरह से जागरूक होते हुए। ब्रीद इन वापस अपने आसपास के वातावरण के प्रति जागरूक होते हुए वर्तमान क्षण में वापस आएंगे। धीरे धीरे अपनी अपनी सुविधा के अनुसार अपनी आंखें खोलेंगे। वापस आते हुए थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, सारे पार्टिसिपेंट्स का आज के सत्र में जुड़ने के लिए, इतने प्रेम से इतनी निष्ठा से इस मेडिटेशन को करने के लिए। थैंक यू दीपा जी, थैंक यू आरती जी। इस गिफ्ट को हम सब लोग अपने अंदर समेटे रहेंगे, इस मैसेज को समझेंगे और इस ग्रेस के गिफ्ट को बाकी सब में बांटते हुए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सुरेंद्र जी, आपसे आज्ञा चाहूंगी। थैंक यू प्रीतिका जी, आप सबसे आज्ञा चाहूंगी आज का सत्र को यहाँ कंक्लूड करने के लिए। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू हीरल जी, थैंक यू।